हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करें कि वाटर में कितना कितना ppm होना चाहिए, किस वाटर क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर हम लोग का 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फ्रेश वाटर का 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग अमोनिया का बात करेंगे, तो अमोनिया 0 से 0.5 ppm के नीचे ही होना चाहिए, वो हमारा सबसे बेहतर है। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग नाइट्राइट का, तो नाइट्राइट का अगर 0.1 भी अगर ppm हो जाए तो बहुत काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है दोस्तों। तो नाइट्राइट हमारा 0 से 0 ही रहना बहुत बेहतर होता है। अगर आपका अमोनिया बढ़ गया है तो नाइट्राइट भी उसके साथ ज़रूर बढ़ेगा कुछ दिन के बाद। तो अमोनिया अगर बढ़े तो हम लोग को उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए। और बात करते हैं हम लोग TDS के बारे में, तो TDS में हम लोग का 200 से 300 ppm होना चाहिए। ये हम सबसे उत्तीर्ण सबसे बेहतर TDS 200 से 300 होना चाहिए। उसके बाद pH की बात करें हम लोग, तो 7.5 से 8.5 ppm होना चाहिए हम लोग का ppm एक pH होना चाहिए हम लोग का तालाब में। उसके बाद हम लोग नाइट्रेट का बात करें तो 150 ppm से नीचे होना, हम लोग का 150 ppm से नीचे होना चाहिए। और DO का बात करें तो 4 से 6 ppm हम लोग का DO होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी हम लोग का मेंटेन करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर दोस्तों अगर हम लोग का अमोनिया बढ़ जाए तो हम लोग क्या चीज़ करें, तो सबसे पहले अमोनिया बढ़ जाए तो थोड़ा वाटर एक्सचेंज कर दे, और जैसे कि 30% वाटर एक्सचेंज कर दे। अगर वाटर एक्सचेंज नहीं कर रहे तो उसमें आप गुड़ और ईस्ट का उपयोग कर सकते हैं, डोज बाय डोज ईस्ट और गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर नाइट्राइट बढ़ गया तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, अगर नाइट्राइट बढ़ गया तो उसके लिए हम लोग नमक का यूज़ करेंगे। उसके बाद पानी को एक मोटर या बोरिंग से कनेक्ट करके और पानी को तोड़ेंगे, जितना जल्दी जल्दी हो जाए पानी को हम लोग तोड़ेंगे, एक मोटर सेट करेंगे उसी पॉन्ड में फिर हम लोग पानी को डालेंगे। तो ये आपका नाइट्राइट थोड़ा उसमें कम होने का ये चांसेस है। क्योंकि हम लोग वैसे ही पानी का सतह को ऊपर इस तरह से हम लोग पानी डालेंगे कि पानी हिलता डुलता रहे, तो इससे DO हम लोग का बना रहता है, डीजल ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। और DO अगर लो हो जाए तो आप लोग ऑक्सीजन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों DO का कम होना हमारे तालाब में अगर ज़्यादा एलगी आ जाए तो उसके कारण भी हम लोग, क्योंकि क्या है ना, एलगी ऑक्सीजन अपना फिर लेने लगता है, जिससे क्या है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो भी हम लोग को कम करके ही रखना है, एलगी का कुछ खाया ज़्यादा ग्रो भी नहीं होने देना है हम लोग को, क्योंकि एलगी है तो DO का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एलगी तो ऑक्सीजन लेता ही। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।